नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकड़ी न्यूज। शुरुआत करेंगे इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। उदयपुर में हुई टेलर की हत्या पर भड़का पूरा बॉलीवुड, आरोपियों के लिए की सख्त से सख्त सजा की मांग। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट के आदेश को चुनौती देगी शिवसेना, इस दौरान संजय राउत ने कहा संविधान के उल्लंघन। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस विधायक का आया विवादित बयान, कहा जैसे बिहार में गाड़ियां जलाई जा रही हैं ऐसा सभी जगह। चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव पर ओपी राजभर ने साधा निशाना, कहा हमने 12 दिन सभा की और ओएस एसी में बैठे थे। उदयपुर में दर्जी कन्हैया की बेरहमी से हत्या करने पर अजमेर दरगाह के दीवान ने दिया बड़ा बयान, कहा मुसलमान कभी भी भारत में तालिबानी मानसिकता को स्वीकार नहीं करेंगे। शिवसेना के बागी विधायक आज गोवा रवाना होंगे, वहां से सीधे पहुंचेंगे सदन, महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा लेने के लिए सदन में जाएंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी की लखनऊ में आज होगी बैठक, लोकसभा चुनाव 2024 पर बनेगी रणनीति। कन्हैया की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में इंटरनेट बंद, बीजेपी ने किया उदयपुर बंद का आह्वान, पाक से संबंध की एनआईए करेगी जांच। देश का पहला ट्रांजिट हब बनेगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट की नींव रखी थी। अमरनाथ यात्रा के लिए एलजी ने रवाना किया पहला जत्था, कड़ी सुरक्षा के बीच कल से होगी यात्रा की औपचारिक शुरुआत। महाराष्ट्र के तारापुर में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई फीट ऊंची उठी रही है आग के लपटे, मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियां। गांव में हुआ बड़ा सड़क हादसा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस का निकला पहिया, 6 बस यात्री घायल और 3 की हालत गंभीर। अमेरिका ने किया बड़ा दावा, कहा सीरिया में ड्रोन हमले में मारा गया अलकायदा का सीनियर आतंकी अभी हमजा। जो बाइडेन की पत्नी बेटी समेत 25 अमेरिकियों पर रूस ने लगाया प्रतिबंध, विदेश मंत्रालय ने स्टॉप लिस्ट में जोड़ा नाम। मोदी की आत्महत्या के जोखिम पर मनोचिकित्सकों का पक्ष सुने के ब्रिटिश कोर्ट, भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ लगाई याचिका। बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की को भेजा यूके आने का न्योता। संजू सैमसन और दीपक हुड्डा के नाम, भारत के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड, रोहित शर्मा और एकल की जोड़ी को छोड़ा पीछे। आयरलैंड की बल्लेबाजी के मुरीद हुए हर्षल पटेल, कहा उन्होंने हमें हैरान कर दिया। आयरलैंड से दूसरे T20 के बीच आखिरी बॉल पर जीते इंडिया, आयरलैंड को 4 रन से हराया सीरीज में क्या ग्लिम्प्स हुए। उदयपुर घटना पर इरफान पठान ने दिया बयान, किसी निर्दोष के जीवन को नुकसान पहुंचाने का मतलब इंसानियत को चोट पहुंचाने जैसा है। इश्क की एक्ट्रेस चिनाज ट्रेजरी को हुई गंभीर बीमारी, पोस्ट शेयर कर बोली चेहरे नहीं पहचान पाती। साउथ एक्ट्रेस मीना पर टूटा दुखों का पहाड़, लंग इन्फेक्शन की बीमारी से पति विद्यासागर का हुआ निधन। कंगना रनौत को कोर्ट से मिली फटकार, 4 जुलाई को होना होगा पेश वरना गैर जमानती वारंट जारी। RRR ने हॉलीवुड में भी जमकर मचाई धूम, मिड सीजन अवार्ड्स के लिए बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में हुई नॉमिनेट। कोरोना मामलों में फिर आया उछाल, 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, करीब 1,00,000 तक पहुंचे एक्टिव केस। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर बांदा से, जहां पर रोडवेज बस स्टैंड के पास एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोश की हालत में मिला है, युवक के साथ जहर घुराने जैसी घटना होने की संभावना जताई जा रही है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से युवक को जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर युवक की हालत गंभीर बता रहे हैं, पीड़ित युवक फतेहपुर का बताया जा रहा है। की उम्र करीब 29 साल है, पुलिस के द्वारा लाया गया कोतवाल बाना के वाले लेकर अपनी गाड़ी में आए हैं। ये संदिग्ध है कि जहर खुरानी का केस लग रहा है, क्योंकि बस स्टॉप के पास मिला है और वहीं से इसको लाया गया है। इसके आधार कार्ड में इसका नाम हीरालाल और राधा नगर फतेहपुर का रहने वाला लिखा हुआ है। अभी हालत कैसी? अभी हालत गंभीर है।
खबर सोनभद्र से, जहां पर पिपरी थाना क्षेत्र में बीते दिन लगातार बाइक चोरी की घटना बढ़ती जा रही थी, जिससे क्षेत्र के लोगों में दहशत थी। चोरी की घटना को रोकने के लिए एसपी सोनभद्र ने कड़े निर्देश दिए थे ताकि तत्काल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और पहले हुई घटनाओं का जल्द खुलासा किया जाए। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए क्षेत्राधिकारी ने थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी के साथ रात के समय चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मुर्दवाती राय पर चेकिंग करते समय एक युवक को संदिग्ध वाहन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो अभियुक्त ने गुनाह मानते हुए चार बाइकों के चोरी की बात कबूल की। वहीं पुलिस ने उसके खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करते हुए उसके निशानदेही पर चार बाइक बरामद कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों नगर में वाहन चोरी की संख्या में वृद्धि हुई है, जल्दी जल्दी बहुत सी गाड़ियाँ चोरी हुई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर वाहन चोरों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान के तहत चौकी चार्ज रेणुपुर और इंस्पेक्टर पिपली के द्वारा एक चोर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से चार चोरी की मोटरसाइकिलें, जिनमें से दो पिपली थाने की चोरी की हैं और दो अनपरा थाने की हैं, बरामद की गई है। और मुलजिम के फरार है, उसको वांछित करके उसकी भी तलाश की जा रही है। खबर बरेली से, जहां पर कैंट थाना क्षेत्र सदर में रविवार देर रात फौजी के बेटे की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना के संबंध में तीन नाम दर्ज कर एक अज्ञात को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक पार्टी के लिए रोटी लेने गया था, इसी दौरान उसका विवाद होटल मालिक और सपा पार्षद के भतीजे से हो गया। तभी होटल मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। कैंट थाने के सदर इलाके में रिटायर फौजी के बेटे का जन्मदिन था, जिसके लिए सनी ने 26 जून को होटल पर 150 रोटी का ऑर्डर दिया था। रात में होटल मालिक ने सनी को ऑर्डर नहीं पूरा करने पर बात कही और इसी के बाद होटल मालिक से उसकी कहा सुनी हो गई, जहां होटल मालिक ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर युवक को लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दिनांक 27/6/2022 को रात्रि के करीब 10:30 बजे एक व्यक्ति, जो उन्होंने अपने उनके यहाँ प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अवसर पे एक होटल में उन्होंने 150 तंदूरी रोटी का ऑर्डर दिया था। इस ऑर्डर को लेने के लिए वो अपने एक भाई के साथ, चचेरे भाई के साथ जब होटल पे गए तो उनके द्वारा ये बताया गया कि अभी जो है हम 45 रोटी देंगे और बाकी रोटी जो है मैं आपको बाद में दूंगा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में जो होटल के ऑनर थे और उनके जो स्टाफ थे, उनके द्वारा मारपीट की गई और लाठी डंडे से मारपीट की गई। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस जो है तत्काल उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। उनके पिता के तहरीर से थाना कैंट में मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 302 और SC/ST के तहत अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में उनकी गिरफ्तारी की नोटिस लगा दी गई थी, जिसमें से चार नामजद में से तीन नामजद को गिरफ्तार कर लिया गया और तीन अज्ञात को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के कारण बरेली पुलिस छात्र अभियुक्तों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है, जिसके चलते अपराधियों में खौफ का माहौल है। खबर बरेली से है, जहां पर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विभाग अलर्ट हो गया है। इसी क्रम में SSP के आदेश पर बरेली के सभी थानों में अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान 90 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें से 26 वांछित अपराधी, 56 वारंटी अपराधी शामिल थे। आपको बता दें कि बरेली पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में दहशत फैली हुई है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशानुसार एक अभियान चलाया गया था, जिसमें वांछित अभियुक्तों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए जो अभियान चला था, उसमें कुल 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 26 जो वांछित है और 54 जो है वारंटी से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जिसमें पूरे शहर में और देहात को मिलाकर जो सबसे नंबर वन की जो सर्किल आई है, जो CO/City थर्ड की सर्किल है, और जो सबसे जो नीचे की सर्किल है CO/City सेकेंड, और मीरगंज दोनों बंदी ग्रुप से जो है जिसे सबसे नीचे वाली सर्किल है। थाना जो है सबसे जहाँ पे ज़्यादा गिरफ्तारी हुई है वो बारादरी और भोजपुरा है, और जो सबसे नीचे के थाने हैं वो किला और सिरौली थाना है, वहाँ पर सबसे कम गिरफ्तारी हुई है। इसी तरह का अभियान लगातार चलता रहेगा, जिसमें वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तारी होती रहेगी और अपराध को।
खबर आगरा से जहां पर थाना मलपुरा क्षेत्र में ग्वालियर हाईवे पर अग्निपथ स्कीम को लेकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी। इस वारदात का मास्टरमाइंड करौली गांव का था, जिसे राजपुताना फाजिलका पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया और इसका खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बताया कि आरोपी इनकलाब जिंदाबाद के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाता था, जिसमें वो काफी भड़काऊ मैसेजेस भेजता था और भीड़ को उकसाने का काम करता था। थाना मालपुरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, जो थाना क्षेत्र मलपुरा में ये अग्निपथ को लेके एक तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें एसओ की गाड़ी भी तोड़ी गई थी, वहाँ रोड की कुछ रेलिंग्स भी उखाड़ी गई थी और इसमें शायद रेलवे की कुछ संपत्ति नुकसान की गई थी। तो इसमें हमने एक एक्यूज को पकड़ा था, जबकि उसके पास से हमें एक मोबाइल फोन बरामद हुआ था, जिसमें हमने पाया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जिसका नाम है इंकलाब जिंदाबाद। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो इसका एडमिन है, उसमें से पर्टिकुलरली कई एडमिन थे, लेकिन एक एडमिन ऐसा था जो कि बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजक उसमें ऑडियो मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेज डाल रहा था। जब हमने यहाँ पर लोकल मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम से हमने जब उसके संबंध में जानकारी की कि कौन है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अंदेशा था कि उसके ऑडियो में एक ये ऑडियो ये भी आया था कि मैं एक फौजी हूँ और मैं फौजी और ये कर रहा हूँ तो बाकी तुम लोग को भी और करना चाहिए, उसमें इसने ये भी कहा था कि सरकारी बस सरकारी ट्रेन को जलाना है। तो हमने जब उसके गहनता से हमने जब छानबीन की तो मालूम चला कि ये पंजाब में फजिलका में जो इनकी ब्रिगेड है हमारी आर्मी की, वहाँ पर ये पोस्टेड है। हमने फिर वहाँ के यूनिट कमांडर से हमने संपर्क किया, उनके फिर हमने न्यायालय से इसका अरेस्ट वारंट बनाया, वहाँ की आर्मी ने हमें सहयोग किया, इन्होंने उनकी वहाँ पे जब इनको जानकारी हुई थी तो उन्होंने खुद की अपनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने जो माननीय न्यायालय द्वारा जो जारी अरेस्ट वारंट था उसको इन्होंने इसको हमें सुपुर्द कर दिया है। हम इसको